नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। कल आपको हनुमानगढ़ जंक्शन की सब्जी मंडी के हालात दिखाए थे कि किस प्रकार लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, भीड़ भाड़ रखते हैं, दुकानों पर जो बैठे हैं वह भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। आज आपको दृश्य दिखाएंगे हम हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड का, वहाँ के क्या हालात हैं, कैसे लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि बस स्टैंड पर भीड़ भाड़ तो रहनी आवश्यक ही है क्योंकि बसों का परिचालन चालू है, चल रही हैं, इसलिए लोगों की आवाजाही तो रहेगी। परंतु लोगों के द्वारा बस स्टैंड हनुमानगढ़ जंक्शन पर भी कई लोगों के द्वारा मास्क नहीं पहनकर रेहड़ियों पर सामान बेचा जा रहा है और ग्राहक भी बिना मास्क के सामान भी खरीद रहे हैं और बसों के अंदर भी सफ़र कर रहे हैं। कई व्यक्तियों के मास्क लगे हुए नहीं दिखे हैं। आपको बता दें कि कलम न्यूज के द्वारा इस बात का बस स्टैंड हनुमानगढ़ जंक्शन में जायज़ा लिया गया कि क्या कोरोना की गाइडलाइन की पालना हो रही है या नहीं हो रही है। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि पुलिस की व्यवस्था बस स्टैंड के अंदर कहीं भी नहीं दिखी है, कहीं भी कोई ट्रैफिक पुलिस या अन्य पुलिस के कर्मचारी इस बस स्टैंड के अंदर इधर उधर ढूंढने पर भी हमें नहीं मिले हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की सुरक्षा को देखने के लिए कोरोना गाइडलाइन की पालना हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको देखने के लिए किसी भी प्रकार की प्रशासन या पुलिस की तरफ से व्यवस्था नहीं दिखाई दी है। काफ़ी देर तक या रुक कर हमने देखा है कि पुलिस के द्वारा क्या कुछ चेकिंग की जा रही है। हालांकि सरकार के स्तर से यह निर्देश दिए हुए हैं कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, भीड़ वाले इलाकों पर नज़र रखी जाए, वहां पर लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए समझाइश की जाए, उनको रोका जाए, उन पर जुर्माना लगाया जाए। परंतु हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड पर इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं दिखी है कि कोई कुछ किसी व्यक्ति पर मास्क नहीं पहनने के कारण कोरोना रोग जो है, कोरोना की गाइडलाइन है, उसकी पालना नहीं कर रहा है तो उस पर कहीं जुर्माना किया जा रहा हो, जहां उसको कोई समझाने वाला, जहां प्रशासनिक अधिकारी, जहां कर्मचारी उपलब्ध हो। आपको इस बस का भी वीडियो दिखाना चाहेंगे। हालांकि सरकार ने यह घोषणा की हुई है कि 50% ही लोग बस के अंदर सफ़र करेंगे, परंतु इस बस को देखकर आप स्वयं ही आइडिया लगा लें कि प्राइवेट बस है और हनुमानगढ़ से हम्बोर जाने वाली, मटीली जाने वाली बस है। इसके अंदर सवारियों ने, हालांकि कईयों ने मास्क पहन रखे हैं और दो चार ने नहीं भी पहन रखे थे, और 50% की उल्लंघना प्राइवेट बस के द्वारा की जा रही है, जो दृश्य आपके सामने। इनको भी चेक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस का कोई भी अधिकारी कर्मचारी देखने वाला नहीं है कि किस प्रकार बसों को, अभी जब बस चलने में टाइम था, अभी इसके और इसके अंदर सवारियां आएंगी। आपको बता दें कि प्राइवेट बसों के द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना करने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अनदेखी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन की तरफ से इन ऐसी बसों को चेकिंग करने का कोई अधिकारी कर्मचारी बस स्टैंड पर नहीं है, इसीलिए बेरोक टोक प्राइवेट बसें सवारियों को इस प्रकार लेकर जा रही हैं। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड के अंदर सफाई व्यवस्था पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जगह जगह पर कचरा यहाँ पर पड़ा मिल रहा है और लोग जो है कचरा यहाँ पर इधर से उधर जो है फेंक रहे हैं, कोई यहाँ पर देखने के लिए सुरक्षा के हिसाब से और सफाई के हिसाब से कोई भी अधिकारी कर्मचारी इस बस स्टैंड की सुध नहीं ले रहा है। आपको यह भी बता दें कि रविवार को, आज रविवार है और कैबिनेट की बैठक हो रही है, अशोक गहलोत के द्वारा कुछ बड़े फैसले लेने की संभावना है और हो सकता है कि लॉकडाउन जो है, जो वीकेंड जो कर्फ्यू लगाया गया है, इसमें वृद्धि होने की संभावनाएं लग रही हैं और भी जो कोरोना गाइडलाइन है इसको सख्ती से पालन करने के लिए आज जो है निर्देश दिए जा सकते हैं। परंतु निर्देश तो दिए जा रहे हैं, राज्य सरकार की तरफ से रोज़ प्रतिदिन नए नए आदेश जारी कर रहे हैं, परंतु इन निर्देशों की पालना करने के लिए नीचे के अधिकारी जो हैं, जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे नगर परिषद प्रशासन हो, कोई भी प्रशासन हो, उसको निर्देशों की पालना करवाने के लिए सख्ती बरतने की आवश्यकता है, तभी कोरोना
रोग की जो गाइडलाइन है इसकी पालना करते हुए हनुमानगढ़ को हम कोरोना से बचा सकते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।